नरोदा पाटिया के 32 दोषियों को सजा सुनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि गुजरात की पूर्व एमएलए माया कोडनानी को 18 साल की सजा सुनाई गई है। नरोदा पाटिया मामले में दोषी पाया गया था माया कोडनानी को दंगों को भड़काने का। 3 बार नरोदा इलाके से एमएलए चुनी गई थी माया कोडनानी। नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी मानी जाती थी। 2007 से 2009 के बीच माया कोडनानी महिला और बाल विकास मंत्री थी गुजरात में, लेकिन आखिरकार जब शिकंजा कसना शुरू हुआ 2009 में, जब सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद एक एसआईटी का गठन हुआ जिसने गुजरात मामलों की जांच शुरू की, तो फिर माया कोडनानी पर शिकंजा कसता चला गया। और साथ ही शिकंजा कसा नरोदा पोटिया मामले में बजरंग दल के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कन्वीनर बाबू बजरंगी के ऊपर भी। बाबू बजरंगी को 21 साल की कैद, आपको बता दें बाबू बजरंगी को ताउम्र जेल की सजा दी गई है और माया कोडनानी को मिली है 18 साल की जेल की सजा। इन दोनों को ही दंगा भड़काने का दोषी पाया गया था। आज से 10 साल पहले नरोदा पाटिया में जो भयानक दंगे हुए थे जिसमें 97 लोगों को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था नरोदा और पाटिया इलाके में, उसके बाद ये मामला लगातार तूल पकड़ता चला गया था। आपको याद होगा 27 फरवरी 2002 को जब गोधरा में कार सेवकों से भरी एक बोगी को आग लगा दी गई थी, उसके अगले ही दिन पूरे गुजरात भर में दंगे भड़कने शुरू हो गए थे। तीसरा सीजलवाड क्या कह रही है सामाजिक कार्यकर्ता, ये सुनते हैं। Reprisal communal violence that broke out in Ahmedabad in Naroda Patia on 28th February 2002, calling it a cancer that is corroding our society, and this is a very welcome observation. आपको बता दें कि गुजरात दंगों में लगातार मोर्चा खोले हुए थी तीसरा सीजलवाद नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी, और अब जब कन्विक्शन आया है, अब सजा भी सुना दी गई है, तो उनका कहना है कि वो इस फैसले का स्वागत करती हैं। 27 फरवरी 2002, ये वो दिन था जब गोधरा में वो हादसा हुआ था, जब कार सेवकों से भरी एक बोगी आग के हवाले कर दी गई थी, और उसके अगले दिन से ही गुजरात में सबसे भयानक दंगों का दौर देखा था, नरसंहार का दौर देखा था। 28 फरवरी 2002 ये वो काली तारीख थी जब नरोदा पाटिया इलाके में पहुंचे थे कुछ कार्यकर्ता और कुछ लोग, एक पूरा का पूरा मॉब वहां पहुंचा था। उसी दिन बजरंग दल का गुजरात बंद का भी आह्वान था, और तब नरोदा पाटिया के इलाके में पहुंच गए एक बेकाबू भीड़ ने लोगों पर जुल्म की इंतहा कर दी। 97 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, 97 लोगों की जान दे दी गई थी, जो तमाम अलग अलग जगहों पर दंगे भड़के थे। उसमें से पूरे अगर उत्तरी गुजरात, उत्तरी अहमदाबाद की बात करें, तो वहां का सबसे भयानक ये दंगा था। बाद में गुजरात पुलिस ने इन दंगों की जांच करनी शुरू हुई और लगातार उस पर आरोप लगते गए कि वो दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान दिया। 2009 में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का गठन किया गया, जिस 10 मामलों के लिए, जो दंगों के अलग अलग केसेस हुए थे उनमें से 10 मामले ऐसे थे जिसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने अपना जांच पड़ताल की और अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, और उसी के बेसिस पर कन्विक्शन होने शुरू हुए। और नरोदा पाटिया उन अलग अलग दंगों में से इकलौता ऐसा मामला था जिसमें जो दोषी पाए गए वो बरी किए गए लोगों से ज्यादा थे। 32 लोगों को दोषी पाया गया और 29 लोगों को बरी किया गया था। इन 32 में से एक, ये जो पूरे के पूरे 32 लोग हैं, इनमें से किसी को भी अदालत ने फांसी की सजा नहीं सुनाई है, लेकिन ताउम्र कैद की सजा बाबू बजरंगी को मिली है और माया कोडनानी को 18 साल जेल की सजा दी गई है। माया कोडनानी का नाम जब इन दंगों में आया तो उसके बाद नरेंद्र मोदी पर हमले और तेज हो गए थे, क्योंकि इन पूरे दंगों के लिए मोदी पर बार बार आरोप लगता रहा है कि वो चाहते तो इन दंगों को इतनी बुरी तरह से भड़कने से रोक सकते थे, वो आंख मूंद कर बैठे रहे, उन्होंने दंगों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। और इस तरह के आरोप भी लगे कि बहुत सारे मंत्री ऐसे थे गुजरात में जो इन दंगों को भड़का रहे थे। इनमें से एक नाम माया कोडनानी का भी सामने आया। आपको बता दें माया कोडनानी पहली एमएलए है और पहली महिला भी है जो गुजरात दंगों के मामले में कन्विक्ट हुई है, यानी कि दोषी पाई गई है, और अब सजा भी मिल गई है 18 साल की कैद की सजा। माया कोडनानी 3 बार नरोदा इलाके से जीती थी चुनाव और नरेंद्र मोदी की काफी करीबी मानी जाती थी, इसीलिए जैसे ही उनका नाम सामने आया और जब कल कन्विक्शन हुआ तो फिर मोदी पर होने वाले हमलों की धार और तेज हो गई। ये कहते हुए कि ये साबित करता है कि मोदी को इन दंगों के बारे में, दंगाइयों के इरादों के बारे में जानकारी थी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर तीसरा सीजलवाद
खुद जुड़ गई हैं, अभी आपने उनकी प्रतिक्रिया सुनी थी। तीसरा जी, ये जो पूरा का पूरा जजमेंट आया है, हालांकि फांसी की सजा किसी को नहीं है लेकिन ताउम्र कैद की सजा मिली है बाबू बजरंगी को और माया कोरनानी को 18 साल, क्या आपको लगता है कि विक्टिम्स के लिए एक तरह ये जस्टिस है? जी नहीं, हमारा इसमें दो मेरी दो प्रतिक्रिया, एक तो मतलब मैं मानती हूँ कि हाई कोर्ट में जब गोधरा कांड को लेकर भी सुनवाई होगी तो वहाँ की भी फांसी की सजा उम्र कैद ही हो जाएगी, क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में हमारे देश में डेथ पेनल्टी जरूर है, मगर मैं मानती हूँ कि अगर उम्र कैद और 18 साल आरोपियों को दिया जाता है तो ये बहुत ही गंभीर एक वर्डिक्ट है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि 18 साल का कैद देना, उसके बाद ये भी होल्ड करना कि मेन कॉन्स्पिरेटर में कोदनानी जी और बाबू बजरंगी दोनों शामिल थे, ये बहुत ही एक सख्त मैसेज जजमेंट से आया है। और कौमी हिंसा को लेकर जो ऑब्जर्वेशन जज ने दिया है वो भी बहुत, मैं मानती हूँ, समाज के लिए, सारे देश के लिए बहुत अच्छा मैसेज भेजेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया तीसरा जी अपनी प्रतिक्रिया आज तक पर देने के लिए। तीसरा सी तलवार, उनका कहना है कि ये जो जिस तरह से सजा दी गई है, ताउम्र कैद की सजा और साथ ही साथ 18 साल की कैद माया कोरनानी के लिए, ये एक काफी सख्त संदेश है जो कोर्ट की तरफ से आया है और आगे भी इस तरह से जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं उनको भड़काने वालों के लिए ये एक सबक होगा। आपको बता दें कि करीब 3 बजे के आसपास कोर्ट ने सजा सुनाने का सिलसिला शुरू किया था, 32 लोगों को कुल दोषी पाया गया था इस मामले में। जितने भी अलग अलग गुजरात दंगों के मामले हैं उसमें ये इकलौता मामला है जहां जो लोग दोषी पाए गए उनकी संख्या ज्यादा है और जो लोग बरी किए गए उनकी संख्या कम। 32 लोगों को दोषी पाया गया और 29 लोगों को बरी कर दिया गया था। और ये मामला इसलिए अहम ज्यादा हो जाता है क्योंकि गुजरात सरकार की एक मंत्री को 18 साल की सजा सुनाई गई है, एक पूर्व मंत्री को, एक ऐसी मंत्री जो नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी मानी जाती थी, जो 3-3 बार चुनाव लड़ी। आजीवन सजा, आजीवन सजा। आज कोर्ट ने तमाम 31 आरोपियों को लाइफ टाइम आजीवन कारावास का सजा दिया है, जिसमें कोर्ट ने अलग अलग तबकों में सजा दिया है, जिसमें आरोपी नंबर 18 यानी बाबू बजरंगी को जब तक वो मरे नहीं तब तक की सजा दी है, माया बेन को 18 साल और दूसरे सेक्शन में उनको 10 साल का सजा दिया है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि जब तक ये 10 साल का सजा कंप्लीट नहीं होता उसके बाद ही लाइफ टाइम का सजा गिना जाएगा। इस तरह से माया बेन को 28 साल तक का सजा दिया है और उसके अलावा दूसरे आरोपियों को भी लाइफ टाइम का सजा दिया है और डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के तहत भी सजाएं सुनाई गई है। और इस सारे केस में विटनेस नंबर 205 जिनके साथ गैंग रेप होने का कोर्ट ने कबूल किया है, लेकिन उसके सामने आरोपियों के सामने पुरावा नहीं होने के कारण उनको छोड़ा गया है, लेकिन कोर्ट ने माना है कि विटनेस नंबर 205 के साथ गैंग रेप हुआ है तो उसको 5 लाख रुपया कॉम्पेंसेशन राज्य सरकार के उसे देने के लिए कहा है। जैसे उसी हुआ था वो लोकपाल पे काला धब्बा ऑब्जर्वेशन किया, कोर्ट ने काफी ऑब्जर्वेशन किया है और ये कहा है कि गोधरा कांड में जो बनाव बना था उसको लेके किसी को भी कायदा और शासन लेने का अधिकार नहीं है और ये उस दिन लोकशाही में काला धब्बा था और इस तरह का कायदा और शासन लेने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। संसद में साथ में ये भी कहा कोर्ट ने अलग अलग धाराओं के तहत, कभी नहीं देखा कि अलग अलग धाराओं के तहत इतनी कड़ी कार्रवाई हुई है। ये दंगों के केस में पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें कोर्ट ने अलग अलग सेक्शन के तहत सजा दी है, जिसमें माया बहन सहित सभी आरोपियों को 326 के तहत 10 साल की सजा की जोगवाई दी है और उसके बाद कहा गया है कि इसमें 326 के तहत
10 साल का सजा का ऑर्डर किया है। नहीं एक्साइज नहीं होगी उसमें, 10 साल पहले 326 में उनको सजा काटनी पड़ेगी, उसके बाद उनकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो सजा है वो गिनी जाएगी। इस तरह से मायावन को 28 साल है, बाबू जंगी को जब तक वो अपना कुदरती जीवन काल कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। बाकी आरोपियों के जो दोषी पाए गए उनके बारे में क्या कुछ कहा गया? आरोपी नंबर एक 2, 10, 22, 25, 41 और 44 को 21 साल की सजा की जो गई की 21 साल तक का लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और उनको भी 10 साल अपना 10 साल के बाद ही उनकी भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट गिनी जाएगी। इस तरह से उनका 31 साल की सजा की जो गई है, और इन आरोपियों के अलावा जो आरोपी हैं उन सभी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो रूल के हिसाब से गिना जाता है उसी हिसाब से गिना जाता है। जो आरोपी है उनको उसके लिए दोषी करार दिया है, क्या कुछ कहा कोर्ट ने? आरोपी नंबर 21 को इसके लिए कोर्ट ने दोषी ठहराया है, और इसके अलावा कोर्ट ने यह भी माना है कि रेप और गैंगरेप की जो विटनेस और विक्टिम्स की तरफ से जो फरियादें थी वो बिल्कुल नजरअंदाज नहीं की जा सकती। वहां पर रेप और गैंगरेप हुए हैं, लेकिन सिर्फ यही था कि आरोपियों के सामने उसके पास पर्याप्त एविडेंस उसमें नहीं था, जिसके लिए कोर्ट ने आज गैंगरेप को माना है। इसमें आज नरोड़ा बढ़िया में गैंगरेप ही हुआ है और रेप ही हुआ है। आपने काफी लंबी लड़ाई लड़ी एक पीड़ितों की वकील की ओर से, क्या आप संतुष्ट हैं? आज जो जजमेंट आया है पीड़ितों ने क्या कुछ बात की? हम वेलकम करते हैं जजमेंट को, और ज्योत्सना बेन को इस ऐतिहासिक जजमेंट के लिए खूब खूब धन्यवाद देते हैं। नरोदा पाटिया मामले में 32 लोगों को सजा सुना दी गई है, 31 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है अदालत ने, और माया कोडनानी को जो कि बीजेपी की सरकार का नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं, उनको 28 साल की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि एमएलए रह चुकी थी माया कोडनानी 3 बार, और महिला और बाल विकास मंत्री भी थी वो मोदी सरकार में। उनके ऊपर आरोप लगे थे दंगा भड़काने के नरोदा पाटिया में, और आखिरकार जब एसआईटी ने 2009 में मामले की जांच शुरू की तब माया पर शिकंजा कसा, और अब जब सजा सुनाई गई तो 28 साल की कैद। धीमंत पुरोहित हमारे संवाददाता इस वक्त खड़े हैं विशेष अदालत के बाहर, सीधे आपको लिए चलते हैं धीमंत के पास। धीमंत, एक बड़ा झटका है ये मोदी के लिए भी, क्योंकि माया कोडनानी को 28 साल की कैद की सजा सुनाई गई है, यानी कि कोर्ट ने बहुत सीरियसली इस बात का नोटिस दिया कि उनका कितना बड़ा रोल था इस पूरे मामले में। इसमें कोई शक नहीं कि अब तक का सबसे बड़ा झटका कह सकते हैं गुजरात दंगों के मामले में मोदी को, बीजेपी को, क्योंकि ये पहला मौका है कि बीजेपी की सिटिंग एमएलए और मोदी की पूर्व मंत्री माया कोडनानी को सजा हुई है। सजा भी कोई मामूली नहीं, बल्कि 18 साल की उम्र कैद और 10 साल की अन्य सजा, मिलकर 28 साल माया कोडनानी को जेल में काटने होंगे। एक अन्य आरोपी बाबू बजरंगी पर जो आरोप था उसको लेकर भी अदालत ने कड़ा रुख अपनाया, और बाबू बजरंगी को उम्र कैद आजन्म, यानी कि जब तक मौत ना हो जाए तब तक पूरी जिंदगी अदालत ने उनको सजा सुनाई है जेल की, रिगरस इम्प्रिजनमेंट की। 7 अन्य कन्विक्स को अदालत ने 21 साल की उम्र कैद की सजा सुनाई है, और बाकी सभी को उम्र कैद की सजा है। 31 आरोपी 31 कन्विक्स को अदालत ने सजा सुनाई है, एक कन्विक्स अभी भी एक्सपॉन्डिंग के उसके पकड़े जाने के बाद। हमारे साथ विक्टिम के वकील शमशाद पठान ने उनसे बात करते हैं। शमशाद, इस तरह का अदालत का रुख रहा और क्या ऑब्जर्वेशन था अदालत को ऐसी कड़ी सजा सुनाने का? अदालत का रुख हाजिर एकदम, आप अदालत इस जजमेंट से पूरे दुनिया को यह मैसेज देना चाहते थे कि इस तरह के दंगे किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किए जा सकते हैं, और उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में भी मेंशन किया है कि ये लोकशाही, हमारा देश लोकशाही देश है, वहां पर इस तरह के दंगे अपने आप में काला धब्बा है, और उन्होंने कहा है कि गोधरा कांड के नाम पर जो दंगे किए हैं वो किसी भी तरह से बचाव के लायक नहीं है। एक गोधरा कांड में अगर गलत हुआ है तो उसके पीछे पीछे दूसरे लोगों को कानून और कायदा अपने हाथ में लेने का कभी भी इजाजत नहीं दी जा सकती है। अदालत का कड़े से कड़ा रुख था, हालांकि अदालत ने इसे रहने तो रेप क्राइम नहीं माना और किसी को फांसी की कैपिटल पनिशमेंट की सजा नहीं की, फिर भी उम्र कैद की जो सजा की वो आमतौर पर जो 14 साल की होती है उसके बजाय माया कोडनानी को 18+10 यानी 28 साल और बाबू बजरंगी को पूरी जिंदगी के लिए उम्र कैद की सजा दी। इसका मतलब साफ तौर पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए दंगों के मामले में बर्दाश्त नहीं किए जाने चाहिए, एक कैंसर की तरह बताया इस तरह के अपराध को।
साफ बात है, स्पेशल कोर्ट जिसमें डेजिग्नेटेड जज डॉक्टर ज्योत्सना याग्निक थी, उन्होंने एक लैंडमार्क कह सके इस तरह का ऐसा जजमेंट दिया है, और जज ने खुद कहा कि एक उदाहरण रूप जजमेंट मैं देना चाहती हूँ जिसके समाज में एक उदाहरण बैठे। रितुल जी, अब धीमंत, हम एक बार आपसे क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक माया कोडनानी को 28 साल की कैद, जिसमें कि 18 साल की उम्र कैद और 10 साल और है, और बाकी लोगों को उम्र कैद की सजा है, क्या यही कहा गया है? रितुल, जहां तक अदालत के फैसले का सवाल है, उम्र कैद की सजा सभी को है, पर अलग अलग कैटेगरी में सजा सुनाई है। माया कोडनानी का जहां तक सवाल है, उनकी उम्र कैद 18 साल की अदालत ने अपने फैसले में सुनाया, और साथ साथ अन्य आरोपों के लिए उनको 10 साल की सजा सुनाई गई है, और अदालत ने कहा कि पहले 10 साल की सजा भुगतनी होगी, उसके बाद उम्र कैद शुरू होगी 18 साल की, यानी कुल मिला के 28 साल हुए माया कोडनानी के। बाबू बजरंगी के सवाल है, उनके अपराध को जघन्य माना अदालत ने, और कहा कि उम्र कैद न सिर्फ 14, 18, 21 साल की होगी बल्कि आजन्म होगी, यानी कि जब तक बाबू बजरंगी जिंदा रहे तब तक जेल में ही रहेंगे। सात अन्य आरोपियों को उनके अपराधों के मुताबिक 21 साल की उम्र कैद की सजा दी गई, और बाकी बचे जो कन्विक्स थे उनको उम्र कैद पर 14 साल की उम्र कैद उनको होगी, यानी कि उम्र कैद सभी को है पर अलग अलग कैटेगरी में है, और उम्र कैद भी अदालत ने कड़ाई से कड़ा सुनाते हुए माया कोठानी और बाबू बजरंगी को आरोपों को देखते हुए दिए। खास करके 300 दिन का हत्या का मामला, 96 लोगों की जान इसमें गई थी, और उसके साथ का भी आरोप लोगों पर लगा है, उसके साथ साथ को लीड करने का। धीमंत की आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, लगता है कोई तकनीकी दिक्कत यहां पर है। हम अपनी संवाददाता गोपी के पास लिए चलते हैं। गोपी, अगर इस पूरे मामले को देखें, ये ऐसा मामला है जिसमें जितने लोग दोषी पाए गए वो ज्यादा हैं, जो छोड़े गए वो कम हैं, और गुजरात पुलिस की भूमिका पर भी यहां पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब तक गुजरात पुलिस जांच कर रही थी तब तक कुछ खास मामला आगे बढ़ा नहीं। एसआईटी के हाथ में ये केस गया 2009 में, और अब हालत ये हो गई है कि 31 लोगों को उम्र कैद और एक महिला को तो 28 साल कैद। गोपी, क्या आप जी? बिल्कुल रितुल, हम ये कह सकते हैं नरोड़ा फाटिया में उसी जगह पर हम खड़े हुए हैं जहां पे जी। बिल्कुल रितुल जी, जी बताएं गोपी। रितु, ये वही नरोड़ा पाटिया की जगह है जहां पे 2002 में वो काला मंजर खेला गया था। हमारे साथ कई सारे विटनेसेस मौजूद है जिन्होंने माया कोडनानी के खिलाफ अपनी गवाही दी है, और माया कोडनानी को आज कोर्ट ने 28 साल की सजा सुनाई है। काफी अहम फैसला हम कह सकते हैं गुजरात दंगों के मामले में, क्योंकि इतने साल हो गए, 10 साल का ये इंतजार है, लेकिन आखिरकार अब ये जजमेंट आया है, जबकि बाबू बजरंगी को जिए तब तक जेल में रहने का फैसला सुनाया गया है। बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग हैं वो मानते हैं कि उनके लिए ये फैसला बहुत अहम है, भले ही देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, ये इन लोगों का मानना है। उनसे बात करते हैं। आप बताइए सलीम भाई, आपने खुद माया कोडनानी के खिलाफ गवाही दी थी, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो हम सारे असरग्रस्तों को जिसने मदद की है, खास तौर पे बीएससी गोविंद भाई रिजवाना और शमशाद पठान, मुकुल सिन्हा जनशंकर मंच के, और तिस्ता सेतलवाड़, सबको मैं बधाई देना चाहूंगा कि आपने जो हमको सपोर्ट किया है, ये हम जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलेंगे। वो सारे गुजरात के असरग्रस्तों की तरफ से आज खुशी, आज मेरे आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे हैं। हम सब आपके बहुत ही शुक्र गुजार है कि आपने हमें न्याय दिलाया, हमारे साथ 10 साल तक मेहनत की, और अच्छी तरह से आप हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चले। आज हमारी जीत है, आपकी जीत है, और दुनिया के तमाम वो मजलूम जो कभी भी उनके साथ नरसंहार होता है, उन सबकी जीत है। आप मानते हैं माया कोडनानी को 28 साल की सजा हुई है, जबकि बाबू बजरंगी को जिए तब तक जेल में रहने की सजा हुई है, सही मायने में सही न्याय मिला है आप लोगों को? हाँ, बिल्कुल सही न्याय दिया गया है। वैसे तो इनको काला पानी की सजा होनी चाहिए, लेकिन ठीक है, एक महिला है इसलिए उनको 28 साल की सजा सही है। बिल्कुल जी, तो यहाँ पे जब फैसला आया तो नरोड़ा पाटिया के लोग हैं वो मान रहे हैं कि आज सही मायने में उनकी ईद हुई है, और इतने साल बाद अब जजमेंट आया है। आप बताइए कि आज 10 साल के बाद ये जजमेंट आया है, क्या कहेंगे
इंतजार हुआ लेकिन अच्छा अंत हुआ। अच्छा इंतजार हुआ हमारे लिए, आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। आज हमारे मरहूम जितने मर गए हैं उनके लिए आज शहीदों का दिन है। हमने एक एक ऐसे मंजर देखे हैं कि आज भी हमें वो ताजा लग रहे थे। आज हमारे घाव पे मलम लगा हुआ है और आज बहुत अच्छे दिन आए हैं। और माया कोटवाणी से बहुत बहुत पनाह मांगी, उसने पनाह हमें नहीं दी, उसी की ये सजा है। बिल्कुल, जिस दिन दंगा हुआ था उस वक्त माया कोटवाणी यहाँ मौजूद थी। आप बताइए, आप क्या कहेंगी इस फैसले को लेकर? मैं तो बहुत खुश हूँ, ये फैसला जो आया है उन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया है, जैसे मासूम मासूम बच्चों को उन लोग को जलाया, काटा मारा। और जो बाबू बजरंगी है, जो पेट में जो बच्चा था वो दुनिया में नहीं आया, दुनिया नहीं देखा, उसने उसको इस तरह से मारा, तलवार से निकाला, तो उसकी सजा तो उसको बहुत कम मिली। वो मासूम बच्चे को जिस तरह मारा, गोपी जी इन लोगों का दर्द गोपी हम समझ सकते हैं कि वाकई मलहम की तरह ये फैसला आया होगा। लेकिन हम इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं, सरकारी वकील क्या कह रहे हैं ये सुनने के लिए। प्लीज नाउ द प्रेशर कुकर इज ऑफ। स्पेशल जज ज्योत्साबेन याज्ञिक हैज डिलीवर्ड द फाइनल जजमेंट। ही हैज गिवन एलोबोरेट रीजंस फॉर नॉट गिविंग। भाई साहब प्लीज डोंट इंटरफेयर, प्लीज डोंट इंटरफेयर। लेजिस्लेट जज ज्योत्साबेन याज्ञिक has given elaborate reason for not giving extreme penalty. I may not say, but he has separated all the accused in three groups, and that minimum sentence of life, which may go up to 18 years, is awarded to Mayabel. Before that, she has made very much clear that she has awarded certain sentences running into 10 years that will go concurrent, but it will not be a part of the main sentence. So Mayabel will go behind the bar for 28 years. Second group, that is Babu Bajangi. He has been awarded a sentence of a rest of the life. And third group, they are given imprisonment for 21 years. In the same fashion, if they have to, first they have to go behind the bar for 10 years, thereafter that is life imprisonment will come into picture. So in nutshell, Mayabel will go behind the bar for 10 plus 18. The rest of the accused other than Babu Bajrangi, 10 plus 21. And Babu Bajrangi will go behind the bar for the rest of the life, that is till he survives. यहाँ के लोगों को ये बात अब तक पता चल गई होगी कि फैसला क्या आया है। हालांकि मौत की सजा कोई भी नहीं है, लेकिन कैद जो सुनाई गई है 21 साल से कम कैद किसी को भी नहीं है, तो क्या ये इन लोगों के लिए काफी है? उसके घर देर है, अंधेर नहीं। जी बिल्कुल रितुल, हम आपको बता दें कि यहाँ पे 10 साल लग गए इस मामले के फैसले आने में। हालांकि हर एक दिन यहाँ के जितने भी लोग हैं, करीब 97 लोगों को जलाया गया था और करीब 325 ऐसे विटनेसेस हैं जिन्होंने अपने बयान कोर्ट के अंदर दिए हैं। हालांकि उनको बार बार धमकियां मिल रही थी, बावजूद उसके उन लोगों ने कोर्ट में जाके अपने बयान दिए हैं और उसी बयान के मद्देनजर ये आज सजा सुनाई गई। उसमें से ये एक विटनेस शकीला बानू हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे पूछते कि आपको धमकी मिल रही थी जब आप कोर्ट में बयान देने जाते थे, या फिर कहीं कभी भी आपको डर लगा था? यानी कोर्ट में हमारा जब नंबर आया था जाने का बोलने का, तो हमको धमकियां आती थी कि बोले जिस तरह तुम्हारे परिवार वालों को हमने खत्म किया, जब तो दिन में करे थे, अब तो बोले तुम रात को सो गए तो तुम्हारे को सोते में हम खत्म कर देंगे, और बोले ये जजमेंट बोले हमारे ऊपर ही आने वाला है, हम लोग को यानी हमारी जीत होगी तुम्हारी हार होगी, हमको इस तरह से धमकी दिया जाती थी। और हम कहीं भी काम के लिए जी गोपी बता रही है हमारी संवाददाता कि वहां के लोग कहते हैं कि जब गवाही देने भी जाते थे, जब अदालत भी जाते थे, तब भी धमकियां मिल रही थी कि जजमेंट हमारे ही फेवर में आएगा और अपना मुंह ना खोले। लेकिन आखिरकार न्याय की जीत हुई है, ये नरोदा पाटिया के लोगों का मानना है। घावों पर आखिरकार अब जाके कुछ मरहम लग पाया है।